और चले रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे राहुल गांधी ने 2 जून को हुए हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। राहुल के मुताबिक लोगों ने बताया कि पुलिस का इंतजाम नहीं था, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की मांग की। राहुल गांधी ने जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी मांग की है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए सुबह सुबह ही राहुल गांधी जो है अलीगढ़ पहुंचे, उसके बाद से वो हाथरस पहुंचे जहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए नजर आए और उन्होंने जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि जल्द से जल्द इन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए। राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपने, क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ, जब समापन हुआ तो वह प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी को चाची। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही? कुछ भी नहीं था, बहुत लापरवाही।